والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقولوا لله حسنا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله رواه الترمذي صدق الله وصدق رسول النبي الكريم سامين و ساميات ناظرين و الله رب العزت کی توفيق سے ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں اور ہمیشہ اس پروگرام میں ऐसी गुफ्तु की जाती है ऐसे मौजूद पर बात की जाती है जो कि इस्लामी कैलेंडर के, के मुताबिक भी होते हैं और फिर वो उसमें से ऐसी चीज़ों को निकाल कर अप्लाई किया जाता है जिसका बराह रास्त हमारी ज़िंदगी से हमारे जीने मरने से दुनिया से आख़रत से सारी चीज़ों से ताल्लुक़ होता है ताकि हम मिलजुल कर इल्म बांटें, इल्म सीखें इल्म पर अमल करने और एक दूसरे की असलाह करने की कोशिश की जाती है नज़ीर मोहतरम रबी अला का महीना है रबी कहते हैं बहार को तो मतलब क्या है यह ख़ुशी का महीना है रबी अला पहली बहार अब पहली बहार बहुत सी खुशियों की सूरत में आ सकती है उसके कई डिफ़रेंट शेप्स हो सकते हैं डिफरेंट शक्लें हो सकती हैं लेकिन मुसलमान होने के नाते जो इस बहार की इब्तिदा है जो बहारों पर बहार है वो है इस महीने में अकाल सलाम की विलादत बासादत, यानी अल्लाह रबुज़त ने वाकाम को इस दुनिया में भेजा तो वो ये महीना था अब पहली बात अब इस महीने में चूंकि मुसलमान मोमिन खुशियां मनाते हैं अब खुशियां मनाते हैं जिस तरीके से मनाते हैं जिस जिस शक्ल से मनाते हैं हमें उससे गर्ज नहीं चूँकि हर एक का ताल्लुक़ अपने नबी से अलग है हर एक का वास्ता अपने नबी से अलग है और इस ख़ुशी की जो सूरतें हो सकती हैं वो भी इसी वजह से मुख्तलिफ है यानी कोई आकार के जो है उनकी विलादत बासाद, बासादत पर ख़ुशी मनाएगा तो वो क्या करेगा हो सकता है वो कल्चरली इन्फ्लुएंस करके हो सकता है वो थोड़ी सी मार्च कर ले जिसको हम जुलूस कहते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे वो जुलूस तो नहीं करेंगे लेकिन एक जगह बैठ कर हज़ूर सलाम की ज़ा बबरक़ात पर दरुद सलाम पढ़ लेंगे कुछ लोग होंगे हम ही में से मुसलमान से मोमिन में से वो क्या करेंगे कि एक ही जगह जमा होकर ज़ूरसलाम की सीरत बासीरत का आपके उसवा हसना का आपकी ज़िंदगी मुबारक का ज़िक्र कर लेंगे कुछ उम्म मुस्लिम में से ही होंगे जो क़ुरान पढ़ कर क़ुरान की मुख्तलफ़ूरतों में भी आकर का ज़ाहिर बिल्कुल साफ साफ ऐम्मदूल ما كان من رجالكم؟ नाकान महमदुलबाद्रजालकुम الكوثر لا ला بهذا البلد. तो ये जो सारी शान वाली आयतें हैं हो सकता है कोई इन को शामिल हाल करके या कुरान की कोई भी सूरत लेकर उसको पढ़ के हो सकता है वो जो है आकल सलाम की रूह को रूह अनवर को सवाब कर दे। अब पाकिस्तान में ये अलग ख़ुशी हो सकती है अब थोड़ा सा मिस्र में या मिडल ईस्ट की जगह जा चले जाएं, तो वहाँ पर उनकी सूरत मुख्तलिफ होगी अब यूके में आ जाएं, तो यहाँ पर मुख्तलिफ है अब ये सारी चीज़ें मैं अर्ज़ क्यों कर रहा हूँ समझाने की कोशिश ये हम कर रहे हैं कि जिस जिस का जिस किस्म का ताल्लुक़ अपने नबी से जी चाहता है कि मेरा हो जाए हमें ये हक नहीं पहुंचता कि हम उन पर फतवाबाजी कर दें यानी अगर किसी ने दरूद ही पढ़ना है तो कोई दरूद इब्राहिमी पढ़े फिर भी ठीक है और कोई दरूद तुंजीना पढ़े या जो भी जो और दरूद पाक के जो और मुख्तलिफ सीगे हैं सीगाए हैं अगर उनसे कोई पढ़ ले तो वो भी ठीक है मतलब क्या है कि हर मुसलमान को मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि हर मुसलमान को हर मोमिन को ये हक है और हजूर असलाम सब के लिए है तो हर मोमिन को यह हक है कि उसकी मर्जी है जिस तरह अपने नबी से रिश्ता जोड़ना चाहे जिस तरह अपने नबी से ताल्लुक तल्लुक़तवार करना चाहे हर मुसलमान का यह हक़ है जो भी पढ़ता है लाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हक है चाहे वह हज़ूर सलाम की सुन्नतों का जिक्र करके अपने नबी से अपना रिश्ता मुकम्मल कर ले चाहे कोई तबलीग करके चिल्लों पर जाकर तस्बी पढ़ के जिस तरह भी करे करना चाहे तो वो अपने नबी से रिश्ता उस्तवार कर सकता है क्यों कि उस बंदे का हक है अब सबसे बड़ा मसला जो हमारे अंदर है कि हम खुद हमारा ताल्लुक़ ठीक हो ना हो ख़ुद हमारा अपने रबी से रिश्ता ठीक हो ना हो हमारी हमेशा उंगली दूसरों की तरफ़ उठी हुई होती है कि फ़लाँ ऐसा करते हैं तो क्यों फ़लाँ ये जायज़ है फ़लाँ ये कुफ़्र है फ़लाँ करना ये बिदत है फ़लाँ ये शिरक है फ़लाँ ये ये है फ़लाँ ये वो है हम जब इस तरह की चीज़ें करना लग पड़ते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हर एक बंदे को जो पूछ कुछ होगी वो सिर्फ़ इस चीज़ की होगी जब कब्र में हम जाएंगे तो सबसे पहला सवाल जो होगा वो ये होगा कि तुम बताओ तुम्हारे नेबर नहीं तुम्हारे पड़ोसी नहीं ये तुम्हारा लीडर नहीं तुम बताओ इकरा किताबक तुम अपनी किताब पढ़ो कि तुम बताओ कि तुम्हारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ कैसा था तुम्हारा अपने नबी से ताल्लुक़ कैसा था तुम बताओ कि तुम्हारा दीन क्या है तो इसीलिए जब भी इस तरह की चीज़ें आए तो सिर्फ एक कोशिश कर लेनी चाहिए कि बजाय हम किसी दूसरों के प्रोपगंडे में आके हो सकता है अपने ऊपर लेबल लगा लें और फिर उसी लेबल पर दूसरों को इस्लाम से भी निकालते फिरें दूसरों से नफरतें भी करते फिरें दूसरों को जो है अपने आप से दूर करते रहें और सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि फिर अपने बच्चों के जो कि बिल्कुल उनका जेन पा को साफ होता है फिर उन्हीं में भी ये गंदगी भर दें तो फिर क्या होगा कि वो एक तरह का आपके लिए सदका जारिया की बनाए वो फिर अजाब बन जाएगा कि जो भी आपकी बातों पर अमल करेगा अगर वो बातें सही नाउज़ बिल्ला ना हुई तो आपको पकड़ होगी तो इसी थोड़ा सा आदमी अगर वो क्या है कि मिर्च कम रखे मसाले को कम रख कर अगर आदमी अहतदाल से हसन नीयत से अगर अपनी हाम जो हमारे आपस में झगड़े हैं छोटी छोटी कदूरतें हैं ये अगर आदमी अहतदाल से छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकल कर जब हम सोचेंगे तो इन श्ला देखेंगे कि हम सब उसी नबी के परवाने हैं हम सब उसी नबी से मुख्तलि शक्लों में कोशिश कर रहे हैं कि हमें आकाल सलाम की कीबत भी नसीब हो आपकी मोहब्बत नसीब हो फिर आपका जो है उस बसना पर जलना नसीब हो और सबसे से बढ़ कर फिर आखिरत में जब कोई भी साया ना होगा जब सारी मखलूक चुप होगी सिर्फ आकार सलात सलाम को इजाज़त होगी कि हाँ अब शफात का दरवाज़ा खोलें तो हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि उस दिन हमारे नबी जो है हमें पहचान लें हम उनके सामने सुरखरू हो जाए और फिर जाकर हमें क्या हो उनकी शफात नसीब हो तो नजर मोहतरम ये जो चीज़ है ये बड़ी अहम है और यकीन जानिए कि आज के दौर में इस चीज़ की बड़ी कमी है लड़ाई करवाने वाले ये करने वाले हर जगह आपको मिलेंगे नेगेटिविटी फैलाने वाले और फैलती हुई आपको हर जगह मिलेगी लेकिन पॉजिटिविटी और ओपन माइंडनेस और जेन को खुला रख के छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके सबसे ऊपर होकर एक मोहब्बत वाली बात करने को बड़ी कम मिलती है तो इसलिए हमने इंशाल्लाह इस चीज़ का कर गौर करना है और इस चीज़ पर गौर देखिए क्यों ना करें कि आप देखें अभी इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि कोविड है पहले हम एक लॉकडाउन से गुजर रहे हैं आगे जो है दूसरा लॉकडाउन अभी आने वाला है वो अभी पूरे महीने का होने वाला है तो अगर हम इस पॉज़िटिव सोच से नेगेटिव सोच को निकाल कर बुरी सोचों को निकाल कर जेन में मोहब्बत रख कर जेन को खुला रख कर पॉजिटिव साइज जो है उसकी अप्रोच अगर हम उस पर लेंगे तो इन आप देखेंगे महीना क्या सालों साल भी बड़ी खुशी से गुज़र सकते हैं लेकिन सबसे पहले जो चीज़ डिपेंड करती है वो ये करती है कि आप किस की बातें सुन रहे हैं कौन आपका पड़ोसी है किस से आप जो है इन्फ्लुएंस अपने आप को जो है अपनी सोचों को अपने जहन को अपने कानों को अपनी आँखों को क्या चीज़ देख रहे हैं क्या सुन रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ आपके दिमाग में जा रही है वही फिर आ, आपके मुँह से ज़ाहिर बात है वही चीज़ निकलेगी एक बंदा है अगर वो हराम ही सुनता रहता है या हराम ही करता रहता है तो उसकी ज़बान से कभी दूसरों को सुख नहीं मिल सकता वो क्यों नहीं मिल सकता कि उसके जेन में जो चीज़ जा रही है उस शख़्स के उस फ़र्द के झा बात है। उसने फिर वही चीज़ बाहर निकलनी है तो इस वजह से इन शाह हमने ये कोशिश करनी है कि हम ये जो हमें एहतिकाफ वाली सूरत मिल रही है फिर यानि लॉकडाउन कि सेल्फ आइसोलेशन में जा रहे हैं तो हमने सिर्फ ये सोच करनी है कि जब मैं इससे बाहर आऊँ तो मेरा जो मन भी बदला हुआ हो और लोग भी मुझे जब मिलकर मुझसे बात करें तो उन्हें तब्दीली नसीब हो और नज़र आए तब्दीली नज़र आए कि हाँ फला बंदा लॉकडाउन से पहले तो उसकी यानी आदतें कुछ ख़राब थी गु़स्सा था फलान था ये था लेकिन अभी तो वो बड़ा खो है अभी तो मोहब्बत की जो है नहरें फूट रही हैं अंदर से तो अगर हम इंशाल्लाह इस अप्रोच से जाएंगे और यह अप्रोच हर जगह होनी चाहिए दीन में हो फिर भी ये अप्रोच नमाज का वक्त हो अगर आपको अल्लाह इज़्ज़त ने तौफीक तो दी हुई है तो आपको यह हक नहीं पहुँचता कि आप एक डंडा लेकर सबको कहें कि तुम जो है ये कर रहे हो वो कर रहे हो वमन अहसन दहा वमिर सल यानी अमल ऐसा हो कि दूसरे देख कर कहें यार ये पढ़ के जब नमाज़ पढ़ता है ये पढ़ती है तो बाहर जब आता है ये बंदा ये बंदी तो बड़े खुशगवार होते हैं बड़ा चेहरे पर नूर होता है और फिर नरम खो होता है तो आपको देख कर अगर ये वो आपकी हालत देखेंगे तो फिर ऐिर बात है वो भी शुरू कर देंगे और अगर हमारी हालत यह हो कि जों नमाज़ का वक्त आया सबको कुफ्र का फतवा लगा दिया जों नमाज पढ़ के आए तो दूसरों के ऊपर ऐसे देखा है कि जो है आप जो है फरिश्ते हैं और दूसरे कुछ और हैं तो अगर ये अप्रोच होगी तो दूसरे कहेंगे यार अगर नमाज इसे ये सिखाती है तो फिर हम क्या करें नमाज तो इसलिए नजर मुहतरम पॉजिटिव अप्रोच चाहे दीन में हो चाहे दुनिया में हो हमने इन शे लेकर इस लॉकडाउन में जाना है ताकि इन हमें एक तो ख़ुशगवार माहौल भी मिले दिल में तंगी भी ना आए जहनों में कदूरते भी ना रहें और साथ साथ ये जो जाहिर बात है लंबी एक जो है हमें ये चीज़ दुशारी से गुरना गुज़रना पड़ेगा तो ये कम से कम आसान हो जाए और अगर यही चीज़ हम फिर ट्रांसफ़र करेंगे अपने बच्चों में बच्चियों में तो इन आप देखेंगे कि वो भी जो है इस इस दौरानिए इनशल दौर में इस दौर में इन वो भी बड़ा आपसे जो है बड़ा पॉजिटिव असर लेकर जो है घर से बाहर भी जाएंगे और घर में आएंगे भी तो नजर मोहतरम ये जो है ये सारी चीज़ जो मैंने आपसे खुलासा खुलाज़ किया है ये आकल सलाम की सिर्फ़ एक हदीस में जो है हमें ये इशारे मिलते हैं हज़रत आयशा रदी अल्लाह तन हैं क्या आक सलाम ने फरमाया कल रसूल सल्लाम सल इन निन अखमिली नम खलका फरमाया हज़रत आयशरदी अल्लाह ते कि मोमिनों में से कामिल तरीन मोमिन वो है फरमाया कौन है कि जिसका अख्लाक जो है सबसे बेहतरीन हो अब आक सलाम मोमिनों में से बता रहे हैं एक मोमिन है जो रोजा रखता है वो भी ईमान का हिस्सा है फर्ज है दूसरा मोमिन है वो रोज़े रख रहा है तीसरा मोमिन है जो हज को जा रहा है चौथा मोमिन जो है वो कुछ और फ़राज़ ज़कात अदा कर रहा है ये सारे इसके दराजात हैं और ये हक हैं ये फराइज में से हैं लेकिन आकाम के हदीस देखिए सलाम ने फरमाया कि ये जो तुम अमल कर रहे हो ये ईमान का हिस्सा हैं लेकिन इनका ताल्लुक़ ज़्यादातर अल्लाह बजत की तरफ से है हकूक़ल्ला की तरफ से लेकिन फरमाया जब हकूक़ल्ला की बात आए तो ईमान कामिल होता है लेकिन अगर ईमान को कामिल की बजाय अकमल करना हो यानी सबसे ज़्यादा जो है अपने ईमान को कामिल तरीन जो है सूरत देनी हो तो फरमाया वो एक सूरत में हो सकती है कि आहसन होम खुद फरमाए अपने अखलाक जो है उसको बेहतर बना लो जब तुम्हारे अखलाक बेहतर हो जाएंगे जब लोग तुम्हें तुम से जो है दूरी की बजाय नज़दीकी इख्तियार करना चाहेंगे और जब तुम से भागने की बजाय तुम्हारी तरफ भागेंगे तो फरमाया क्या होगा मोमिन तुम जो है कामिल ईमान वाले बन जाओगे तो देखिए इस हदीस में भी आकर असलात ने फरमाया कि ये जो हसन खुल्क है ये जो अच्छा अखलाक है इस पर जो है ये नहीं कि आप अगर किसी से मुस्कुरा के बात कर रहे हैं तो आप उस बंदे की सिर्फ ख़ुशी का सबब बन रहे हैं या आपसे कोई जो है अच्छी दोस्ती बना रहा है साथ साथ वो भी चल रहा है लेकिन अंदर से आपका ईमान भी जो है मुकम्मल हो रहा है यानी एक तीर से दो शिकार ईमान भी साथ मुकम्मल हो रहा है और ईमान ही ने बताया है कि हाँ जब दिल में ईमान हो कामिल हो अकमल हो तो वो बंदा क्या होगा दूसरों की तरफ अच्छा होगा इस्लाम चैनल उर्दू के ज़रिए जब आप ये बयान सुन रहे हैं तो मतलब क्या है जब आपके दिल में ये बात जाएगी तो अभी इन दूसरों की तरफ मुस्कुराने में हिचकिचाहट जो है वो महसूस नहीं होगी यानी हम दूसरों के सामने बजाय वो क्या कहते हैं कि 12 बजे माथे पर उसकी बजाय हमें क्या होगा मुस्कुराहट होगी खंदा पेशानी होगी आकर -सलाम की सुन्नत है कि दूसरों की तरफ़ देख कर मुस्कुरा देना उनसे अच्छा कलाम करना तो नजर मुहतरम ये जो चीज़ है ये बड़ी लाजिम है इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ पर जो है एनफेसाइज कर रहा हूँ इस पर जोर दे रहा हूँ कि हमें जो है इन ये अप्रोच रखनी है अब ये अप्रोच शुरू कहाँ से होगी इसकी भी तरफ आते हैं इसी हदीस का हिस्सा है फिर हम इन श्रेक पर चलते हैं आका सलाम ने फरमाया वम बेअली और फरमाया कामिल तरीन मोमिन वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है बेहतर है और फरमाया आगे और वो अपने अहलो आयाल के साथ जो है इंतहाई नरम है अब ये इस हदीस का हिस्सा है मतलब क्या है कि जो हसन खुल्क है अच्छी आदत है नरम गोई है जो है नरम तबीयत है ये कहाँ से शुरू होगी फरमाया तुम्हारे घर से अब हम घर में जो है क्योंकि लॉकडाउन है तो उसमें रहना हमने कहाँ है अपने प्यारों के साथ रहना है चाहे बच्चियाँ हों बच्चे औलाद हो वालेन हो, वाले हो मियाँ हो बीवी हो जाहिर बात है हमने आपस में एक दूसरे के साथ ये पूरा महीना अगर ज़्यादा ना हुआ अल्लाह करे ना हो तो हमने ये सारा काम जो है ये सारी जो सोबत लेनी है हमने जिसकी वो ज़ाहिर बात है वह अलतफ़ो हम बेहली घर में ही रहना है जो खूनी रिश्तेदार हैं उन्हीं के साथ ही रहना है तो यहाँ पर आकर इस्लाम ने भी मसला हल कर दिया फरमाया ये जो हसन खुल्क है तुम्हारा ईमान जो मुकम्मल होगा तो क्या होगा वह अलतफो हम ब्याली अपने घर से शुरू करो अब यहाँ पर जो ख़ास नुकता है वो ये है कि अगर हम इस लॉकडाउन में जाए पूरा महीना है अब इस पूरे महीने को हम किस तरह देख सकते हैं कि हमारा ईमान पहले बिजी थे फलां था काम था ये था वो था सारी मसरूफियात थी अभी हमारा जो काम शुरू हो रहा है वो ईमान को कामिल करने का हो ईमान पर मेहनत करने का हो यानी और ईमान बड़ी आसान सी बात है फ़र्ज़ आप पढ़ लेंगे दो मिनट में नमाज़ फजर जोहर असर लेकिन दूसरा काम हमने ये करना है कि अपने अहलोयाल के साथ कोशिश करनी है कि नर्म हो कोशिश करनी है कि जो मसाइल वगैरह आएँ उनसे सरफ नज़र कर दी जाए थोड़ा सा ऊपर आकर जो है नरम खो झगड़ा बनाने के बजाय मिटाने वाला अगर हम बन जाएँ तो आप देखिएगा कि लॉकडाउन ख़त्म होगा हमारा इंशाल्लाह ईमान कामिल की बजाय अकमल होगा साथ साथना भी खुशहाल होगा और इन आप देखेंगे फिर इसकी वजह से बरकतें और रहमतें भी आएँगी तो नजर मोहरम ये जो पैगाम है ये बड़ा लाजमी है इस दौर में लाजमी है चूँकि हम जो है मैंने आपसे अर्ज़ किए हैं सुबह उठें आपके भी जो है बड़े मैसेज़ आते होंगे कि ये हो रहा है फ़लाँ पर ये खराबी हो गई फ़लाँ पर ये जो है मसला पड़ गया फ़लाँ पर ये हो गया तो ये जो सारी जो है झंझट है हमारे जहन में सुबह उठते हैं तो आ जाती है फिर रात को देर तक भी यही चीज़ चल रही है तो हमने थोड़ा सा इस चीज़ से हटा कर, पॉजिटिव साइड रोशनी देखनी है जब रोशनी की किरण नसीब हो तो फिर देखिएगा इन कि आप वही किरण फिर दूसरों में ट्रांसपेरेंट करेंगे दूसरों में डिलीवर करेंगे और ये इनशाला सबसे बड़ा सदका जारिया भी है और इससे हमारी अपनी भी निजात है और दूसरों से भी इन हमें कोई मसला भी नहीं होगा दूसरे हमसे खुश भी होंगे चाहे वो हमारी फैमिली हो हमारे बच्चे हों हमारे वालदेन हों हमारे बहन भाई हों मियाँ बीवी हो सारे हों तो इनशा चूँकि अभी हमारी ब्रेक का टाइम है यहाँ पर इनशाला हम ख़त्म करेंगे ब्रेक के बाद जो है क्या करना है आपको पता है यह आपका अपना प्रोग्राम है आपके जो भी मसाइल हों इल्ला आप वो भी पूछ सकते हैं कोई वाक्य शेयर करना हो वो भी शेयर करें इसके अलावा इन जो है जिस जिस सूरत में इन शाला आपकी खुशी होती है कॉल सुनकर सवालत सुनकर जो है कॉमेंट सुनकर हम एक दूसरे के साथ इन इसी तरह प्यार मोहब्बत से इस प्रोग्राम को आगे जारी सारी रखेंगे हमारे साथ ही रहेगा इन ताकि जब ब्रेक के बाद कोई सवाल हों जो नहीं पूछ सकते कभी कभी ऐसे भी होता है कोई सवाल पूछता है तो दूसरों को सुनकर जो है फ़ायदा हासिल हो जाता है तो जो सवाल पूछ रहे हैं इन इस नीयत से भी पूछा करें कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ये पूछ रही हूँ दूसरों को भी फ़ायदा होगा तो इन ये आपका जो है क्या होगा सदका जारिया भी हो जाएगा और आपका पूछा हुआ सवाल अगर किसी और का दूर दूर से लोग देखते हैं उनका मसला भी हल हो जाए तो यकन जो है हम आपके लिए भी खुशनसीबी है हमारे लिए खुशनसीबी है और यही इस्लाम चैनल उर्दू का मेरा जो है हम सब का बस जो है यही इरादा होता है यही नीयत होती है ताकि हम दूसरों के लिए मशा रनें दूसरों को फ़ायदा दें اور انشاءاللہ اسی سے امید ہے ہم. ہماری دنیا میں بھی نجات اور آخرت میں بھی. تو ملتے بریک کے بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین محترم प्रोग्राम गुफ्तु में ब्रेक के बाद हाजिर हैं अलहदुल्ल ब्रेक से पहले हमने जिस मौजू पर बात की थी वो थी हसन खुल्क यानी अच्छा अखलाक अच्छी आदत जो है पॉजिटिव आचीट्यूड या इसको कह लें मैनरज़म ये इस पर जो है हमने बात की थी और की थी आकाल सलाम की हदीस पर है जो है कि हजरत आयशर फरमाया कि ईमान जो है आकर फरमाया उस मोमिल का ईमान कामिल तरीन है जिसका अखलाक अच्छा है और फिर आगे खसूस बयान फरमाया कि वह अलतफो हम बयाहली जो अपने घर वालों के साथ फैमिली के साथ नरम खो है अच्छा अखलाक रखता है खुश तबीयत है तो इस पर हमने बात की थी चाला में इसके पहले कि मैं आगे ब्रेक से चलूँ आई मीन अपने मौजू का हम आगे ले कर चलें अगर फ़ोन लाइन जो है कॉल्स वगैरह आन होंगी अगर आपने शामिल होना हो सवाल वगैरह जिस तरह भी इन शाला आपने पूछने हो तो वह आपका अपना प्रोग्राम में आप कर सकते हैं लेकिन हम चलते हैं अपने मौजू का आके ताकि जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा आकाराम की हदीस मिले जिससे जो है हमें फ़ायदा हो और इस मौजू का छेड़ने का सिर्फ और भी बहुत से मकाजित नेक नीयतें शामिल होती हैं लेकिन ये खसूस तौर पर इसलिए जो है मनतखब किया गया है ताकि अभी जो लॉकडाउन की सूरत है या ये जो कोविड की हम बातें बाद में भी करेंगे तो हमें ये इन सबक याद रहेगा कि हमें ऐसी सूरतों में ऐसी मुश्किल में मुसीबत के जब अल्लाह ना करे सामना करना पड़े तो हमें सबसे पहले जो मुसलमान होने के नाते मोमिन होने के नाते सबसे पहली जो हमारी सोच जैन में आनी चाहिए और होनी चाहिए वो ये है कि मैंने कोई भी मुसीबत सामने आ गई तो ये नहीं कि उसको जो है वावेला कर दिया शोर गुल कर दिया फलां कर दिया फलां नहीं तहमुल से बुरदबारी से और अच्छे अखलाक से अगर हम उसको उसके साथ डील करना शुरू कर देंगे तो आप देखिएगा कि आधी प्रॉब्लम जो है वो खुद खुद ही चली जाती है तो इनशा इस पर बात करते हैं लेकिन भी होंगे साथ वरकत कैसे आप ठीक है अलहमदुल्लह माशा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है बहुत शुक्रिया माशा जितनी उतनी कम है माशा आपने जो बताया है हम उसी अमल करने की अमल करेंगे और आपको देंगे। जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है आप है। में रखे हमें। जी जी खैर खैर आपने कॉल की है, ताला आपके जो है शामिल होना कबूल फरमाए और जैसा कि आपने जो है फरमाया है कि हमें इसी तरह एक दूसरे की बातें सुनकर जो है कोशिश यही होनी चाहिए इंशाल्लाह आप इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ की जो मौजू है अगर हम इसको थोड़ा सा ले लें मेरी बातें ना सुने हम तो गुना गार जाहिर जहिर बातें लेकिन जो हदीस शरीफ़ है अगर हम हदीस शरीफ़ को सामने रख कर आकर को फ़रमान को सामने रख कर हम सब के लिए उसमें बड़ी बड़ी जो है पोशीदा मोती हैं जवाहरात हैं हीरे छुपे हुए हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि उनको निकाल कर जो है सामने पेश किया जाए ताकि भूला हुआ सबक जो है वो याद रहें र बातें लाखों की जो है तादाद में नबी अदीस नवी मौजूद हैं तो कभी कभी जेन में नहीं रहती हैं चीज़ें लेकिन ये जो दोहराई हो जाती है हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि हम एक दूसरे की कोई हाथ से मदद कर रहा है तो कोई ज़बान से कर रहा है तो कोई जो है कॉल करके कर सुना के कर रहा है तो जिस सूरत में हम शामिल हो सकें हमने पॉजिटिविटी जो है वो फैलानी है तो मैंने आपसे जो है आज की थी कि आकर असल फरमा ईमान मुकम्मल होगा और फिर फरमाया अच्छा खुल कहाँ से शुरू करो अच्छा अखलाक जो है ये घर से शुरू करो आगे चलते हैं एक और दो हदीस है मेरे जहन में लेकिन कॉल्स भी होंगी फिर आइए चलते हैं कॉल की तरफ अलैक् वाले जी अल्हमदल्ला ठीक हो

अच्छा तो क्या कुछ किसी को दिखाया वगैरह है क्यों यानी कुछ बीमारी कुछ आप... गोलियां भी हो। डिप्रेशन है ना मुझे दस ग्यारह साल हो गए लेकिन अच्छा पहले तो बर्दाश्त होता सकता आज कोई आज अब कोई बर्दाश्त नहीं होता कुछ और बस घर के मामलात कभी दो दो मिनट के लिए ठीक हो जाते हैं और फिर जब फिर हालात खराब हो जाते हैं तो फिर कह नहीं सकती ठीक है मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊंगा इन आप वो करेंगी तो अल्लाह ताला खैर करेगा बहुत शुक्रिया जो है आप शामिल हुई इन आपके सवाल के लिए बल्कि औरों को भी फ़ायदा हो जाएगा मैं आखिर में एक चीज़ बताता हूँ तो इन उस पर हम बात करेंगे तो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इन ये भी अगर हम सारे सुनकर तो अमल करेंगे कुछ माएँ हैं कुछ बहनें हैं कुछ बुज़ुर्ग हैं कुछ दोस्त हैं ज़ाहिर बात है कुछ जो है मरीज़ हैं दवाई खा रहे हैं जो है साथ जो है और भी मुश्किल मुसीबत हैं तो इसलिए सबसे पहली जो चीज़ नदी मोहतरम हमने फैलानी है वो है अच्छा खुल्क अच्छी आदत और पॉजिटिविटी मैंने आपसे अर्ज़ की है कि अगर कोई मुश्किल आए मुसीबत आए तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि थोड़ा सा चाहे कुछ सेकेंड का ये सब्र हो अगर हम वो कर लेंगे और अच्छे जो है नीयत से अगर उसको हम अप्रोच करेंगे तो आधी प्रॉब्लम जो है वो चली जाती है अब कोई कहे कि मेरी जो है प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो बहुत बड़ी ऐसी नहीं हो सकती जो है जो आप संभाल ना सकें वो क्यों नहीं कि आ, आयत करीमाए अल्ला रब्त ने फरमाएल्लाकल्ल नफसन अल्लाउस कि किसी भी जान पर मुसीबत आती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं आती जितनी वो जान जो है बर्दाश्त न कर सके तो इसीलिए ये बहाना छोड़कर थोड़ा सा तहमुल मिजाजी इंशाला इख्तियार करें तो देखिएगा कि आधी प्रॉब्लम जो है चली जाती है। अब वो तहमल मिजाजी कैसे होगी वो जो है हुसने खुल्क से आएगी हुसन खुल्क जो है ये दो तरह का है बल्कि तीन तरह का ये सारा मैं आपको टोटल बता रहा हूँ हसन खुल्क जो है जो मेरी समझ में थोड़ी सी जो है अल्लाह रबत ने दिया एक हसन खुल्क है जो अल्लाह रबत की तरफ से उसकी तरफ है अल्लाह तस्न ज़न रखना अल्लाह ताला की तरफ अच्छी नीयतें रखना उसको दिल व जान से रहमान रहीम मानना और जो है उसकी तरफ रुजू करना ये हैसन खल्क किस की तरफ अल्लाह अल्लाब्रज़्त की तरफ अब दूसरा हुसन खुल्क जर रुख़ है जो उसकी डायरेक्शन है वो है लोगों की तरफ अब लोगों की तरफ हुसन खुल क्या है उसमें फिर वालदेन भी आ जाएंगे कि अगर वालदे ज़िंदा हैं तो उनकी ख़िदमत की जाए अगर दुनिया से चले गए हैं तो क्या हो उनके के लिए फिर दुआ की जाए ज़िंदा हैं फिर भी उनकी सेहत व सलामती के लिए दुआ कर दी जाए बीवी है शोहर है उनकी तरफ हुसन खुल्क ये उस खुल्क का हिस्सा है मैं आपको जो है मखलूक के खुल्क जो है खुल्क उनकी तरफ उसका जो है ओवरऑल नचोड़ अर्ज़ कर रहा हूँ तीसरा हुसन खुल्क यानी इससे अगला हसन खुल्क बच्चों की तरफ है बच्चे आपके साथ हैं उनसे प्यार मोहब्बत करना अच्छी अच्छी बातें करना उनको अच्छी चीज़ें सीखाना उनसे अच्छी चीज़ें सीखना खेलना कूदना ये सारी जो है इसमें आ जाता है अगर आपका एम्प्लॉयर है अगर आप काम करते हैं खुद किसी की जगह या कोई आपके अंडर काम करता है तो एक हसन खुल क्या होगा उसकी तरफ होगा अच्छी जो है अच्छी तरह उनको हेल्प करना एक्सप्लेन करना ट्रेन करना ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ये दो हैं पहला है अल्लाह बब्ज़त की तरफ हुसन खुल्क दूसरा है मखलूक की तरफ हुसन खुल्क और तीसरा मखलूक में से जो आपके हसन खुल्क का बहुत ही ज़्यादा जिसको ज़रूरत है और अगर उस पर आपने मेहनत कर ली हसन खुल्क उस चीज़ को उस शख्सियत को आपने दिखा दिया तो ये जो दोनों दूसरे मामलाते हैं ख़ुद ब खुद बखुद हल हो जाएंगे और वो हसन खुल्क है आपका अपनी ज़ात के साथ और हमारी ये जो तवज्जो है इस तरफ बिल्कुल नहीं जाती अब अपनी जात के साथ अगर हम अच्छा मामला नहीं करेंगे तो आप दूसरों की तरफ कभी कर ही नहीं सकते अगर आपके अपनी सेहत की आपको परवाह नहीं है तो दूसरों की तरफ आप क्या करेंगे एक दिन अच्छी नीयत कर लेंगे दूसरी दिन तीसरे दिन आप कहेंगे कि मेरा तो जो है वो पानी नहीं मानी नहीं चाहता कि दूसरों के साथ अच्छी तरह पेश आऊँ वो क्यों होता है कि हम अपने आप को निगलेक्ट कर देते हैं मैंने कई स्टोरी सुनी है जो है कई दफ़ा सुना है कि फ़लाँ ने पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर दी फ़लाँ ने फलाँ की खिदमत में पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर दी जो है अपने आप को तबाह कर दिया और बाद में आखिरी उम्र में या बहुत सालों बाद हम आके फिर पछताते हैं फिर रोते हैं कि फलां के साथ मैंने ये किया उसने ये क्यों नहीं किया तो सबसे पहले जाहिर बात है जब आप किसी के साथ भला करते हैं तो हमारे हुकूक में से है और फराइज़ में से है और ये अच्छी बात है इसमें तालीमत हैं लेकिन इसके साथ साथ उतनी चादर फैलाएँ जितने आपके जो हैं पाँव हैं मतलब क्या है कि इतनी मेहनत करें दूसरों के साथ जितनी आपको अपना जिसम जो है इस्ता देता है अगर आप अपने आप को भुला देंगे अपने आप पर जो है मेहनत नहीं करेंगे अपने आप को जो है टाइम नहीं देंगे तो दूसरे तो आपको कभी नहीं कहेंगे कि ख़त्म करो इसके दो रुख हैं अगर ये बात आप गौर से सुन लें तो इसके दो रुख हैं एक है दूसरों की तरफ मीन हो जाना बुरा हो जाना वो वो नहीं अच्छी चीज़ वो बड़ी बुरी बात है बदखलाकी है लेकिन एक है कि आपने कहा है हदीस शरीफ़ में भी है कि सदका उतना दो जिस सदक़े से फिर तुम्हारे अपने पास भी खुशहाली रहे मतलब क्या है कि अगर तुम तुम्हारे पास मस अगर दस पाउंड है तो छः तुम्हारे अपनी ज़रूरिया के लिए हैं बीवी बच्चों के लिए अपने खाने पीने के लिए हैं तो ये नहीं कि दस के दस ही दे दो हमारा वो सदीक़ अकबरदी अल्लाह त ईमान तो है नहीं तो इसी चार दे दो ताकि तुम वो देकर अल्लाह की बारगाह में खुशी भी तुम्हें हासिल हो सुकून भी मिले और बाद में जो अपनी तरफ है वो भी परेशानी ना आए अब ये तो थी पैसों की बात इसी तरह है दूसरों के साथ कुछ और काम करने की बात अगर दूसरों के साथ जो भी मामलात करने हैं वो हम इन अच्छे तरीके से करते हैं करते रहेंगे लेकिन इस लॉकडाउन में इस सेल्फ आइसोलेशन में आपने और हमने अपने आप पर मेहनत करनी है अब इसकी बहुत सी सूरतें हैं अगर मैं इनशाला इसको खोलूंगा आता आहिस्ता तो आप देखेंगे कि जो हमारी अपनी जान है हम उसे बिल्कुल भुला देते हैं अब क्या है मिसाल मैं आपको दे रहा हूं अब पहली मिसाल जो है हम अपने आप को जो क्या क्या चीज कर सकते हैं सबसे पहले तो यह है हमारी दो चीज़ें जो है बड़ी हमारी जिसम को जरूरत है और या आप जो है लिख लें और इनशाला अगर इन पर आप अमल करेंगी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा सुकून मिलेगा और इन शाह आपका मन करेगा कि दूसरों के साथ अच्छा पेश आए अब दो सूरतें हमारी बॉडी को दो खुराकें चाहिए एक है स्पिरिचुअल खुराक रूहानी गजा और दूसरी है जिसमानी गजा एक है रूहानी और दूसरी है जिस्मानी ये जो हमारी दो खुराकें हैं ये अगर हम पूरी तरह से कवर कर लें पूरी तरह से इन पर अमल कर लें पूरी तरह से जो है इनको फाइंड आउट कर कर इनका अगर इल्म ले लें तो आपने क्या किया आपने अपने साथ साथन खुल किया आप अपने साथ जो है अच्छा पेश आएंगे अब पहले चलते हैं रूहानी खुराक की तरफ अब बरूहानी खुराक की मैं छोटी-छोटी मिसालें दूंगा क्योंकि जो है हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है इस चीज को ज्यादा इलैबोरेट करें लेकिन इशारा अकलमंद के लिए इशारा काफी होता है तो इंशाल्लाह मैं और अर्ज करूंगा लेकिन एक कॉल के बाद अस्सलाम रहमतुला। वालेकुम रहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि जी जी साहब आपसे मैंने ये पता करना था कि जो इशराफ की और चाश की नमाज होती है ये हम लोग फजर की नमाज के कितनी देर बाद पढ़ सकते हैं क्योंकि सात बीस पे लिखा होता है सूरज तुलु होना सात बीस आज कल जा रहे हैं यहाँ ग्लासगो में अच्छा। तो इसके हम कितनी देर बाद पढ़ सकते हैं नमाज चार्ज या इशराक इन दोनों में डिफरेंस भी मुझे बता दीजिए कि चार्ज की और इशराक की नमाज में क्या फर्क है ठीक, ठीक है? है ओके बहुत शुक्रिया आप शामिल हो इनशाला मैं आपसे अर्ज करूँगा बाद में सवालत और भी जमा हो रहे हैं तो इन हम उसकी तरफ आएंगे तो नज़र मोहतरम मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अपने साथ साथन खुल का, अपने साथ अच्छा अखलाक से पेश आना अपने साथ हम दूसरों की तरफ हमेशा तोजह होती है लेकिन अपने साथ अच्छे अखलाक पेश आने की दो सूरतें अपने साथ जो है अच्छा मामला करने की दो सूरतें हैं कि अपने जिसम को अपनी रूह को जो है दो चीज़ों की ज़रूरत है एक है रूहानी गज़ा और एक है जिसमानी गज़ा। अब बातें तो ये सारे करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं अब रूहानी गज़ा क्या है कि अपने आप को हराम से बचाना अपने आप को जो है बुरी बातों से बचाना अपने आप को जो है बत से चुगली से ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी रूह को खोखला कर देती हैं जो भी आपके सामने इल्म आएगा ये यही चीज़ों से आएगा हर जो इल्म आता है हमें किसी चीज़ का बुरा हो या अच्छा हो क्या कैसे आता है या हम देखते हैं उसको या हम सुनते हैं या हम जो है उसको सुनते हैं तो ये जो चीज़ें जराए हैं ये ये इन इन चीज़ों से हम जो है रूहानी रु, ग़ा जो है वो हासिल करते हैं अब इन्हीं चीज़ों से अपने आप को हम तबाह भी कर सकते हैं और अपने आप को जो है हम जो है अपना बेड़ा तार भी सकते हैं अपने आप को अच्छा भी बना सकते हैं अगर हमारी हर वक्त जो है हमारे कानों में हमारी आँखों ने अगर गलत बात देखनी है ग़लत बात सुननी है ईबतें सुननी है झूठ सुनना है फ़लां के पीछे लगे हैं फलांग के पीछे लगे हैं तो थोड़ा थोड़ा मज़ा तो हो सकता है आता होगा लेकिन उससे जो बुरा बुरी जो चीज़ पड़ती है हमारे जहनों में वो क्या होती है कि हमारा जो है सुकून जो है ख़राब हो जाता है अब सुकून कोई पूछे क्यों ख़राब हुआ वो इसलिए हुआ कि हमने अपने साथ अच्छा मामला नहीं किया हमने जो हमारी रूहानी ग़ा थी वो हमने अपने आप को नहीं दी इसीलिए क्या हुआ कि हमारी रूह जो है बीमार पड़ गई अब हम कोशिश करते हैं कि उस रूह को शिफा मिले रूह भी जो है रोती है अंदर से आवाज़ें निकालती है कि मैं तो माला आला की चीज़ थी अर्श से आई थी फ़रिश्तों के साथ जो है मेरी सोहबत थी फ़रिश्तों के साथ मेरा उठना बैठना था अल्लाह रब्रज़त की बारगाह में क़ुरब जवार था वहाँ की जो है नेमतें मिलती थीं वहाँ की गज़ा मिलती थी मुझे वहाँ पर सुकून आता था अला बिक्र तत्माक़ुलूब की जो है सदाएँ वहाँ से मिलती थी इसलिए मेरा जो है वो जहान था और मुझे वो खुराक चाहिए थी मुझे वो हुस्ने मामला चाहिए था लेकिन हमने क्या किया हमने उसके साथ वो मामला नहीं किया इसलिए हमने क्या किया कि वो रूह को भी खोखला कर दिया और अपना सुकून गवा दिया अब हो सकता है आप तो समझ रहे हों कि इससे गुनाह मिलता है फलां होता है फलां होता है लेकिन असल बात यह है कि हमने अपने साथ जो है

आज का कोरोना है ना तो उसकी वजह से घर में नमाजें पढ़ी जाती हैं तो मेरा बेटा पढ़ता, पढ़ता है जमात करवाता है ना ठीक है तो उसका दिन होता है कि सारे मेरे साथ जमात के साथ नमाज पढ़े तो आप ज्यादा होगा तो मुझे, मैं भी पढ़ती हूँ लेकिन मुझे कोई खास इसका इतना पता नहीं वो, बस मैं मुझे इसका तरीका बता दो ठीक है मैं अर्ज करता हूँ बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आप शामिल हुई और इन शाला आपके सवाल का भी जवाब अर्ज़ करूँगा और और भी नज़र मोहतरम जो आपके सवाल आए इन शाला हम सब का जवाब देंगे लेकिन थोड़ा सा हम अपने प्रोग्राम के जो मौजू है उसको मुकम्मल करके तो नजर मोहतरम ये था मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि हुसन मामला अपने साथ अच्छा पेश आना अपने साथ जो है हुसन खुल करना अच्छे अपने साथ जो है अच्छे जो है मैनर इख्तियार करना इसकी हमें बड़ी ज़रूरत है और इन इस प्रोग्राम के बाद अगर ये आप हम अगर ये चीज़ें सोचना शुरू कर दें हम अगर इन पर अमल शुरू करना कर दें तो आप देखिएगा कि आप खुश होंगे खुश होंगी कि शुक्र है ये लॉकडाउन है ताकि हम अपने आप पर मेहनत कर लें लेकिन अभी मेरी पूरी बात मुकम्मल नहीं हुई पूरी बात इनशा जब आप सुनेगी सुनेंगे तो फिर जो है हमें पूरे मौजू की समझ आएगी हमारी आदत यह होती है कि एक छोटा सा टुकड़ा इधर से उठाया एक उधर से उठाया ना उसका सर है ना इसकी दुम है और पता नहीं होता हम किधर जो है फिर रहे हैं इस वजह से वो फिर पूरी बात का मज़ा भी नहीं आता और फिर जो है हम यानी इस तरह ला अला उला 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 ना इधर के ना उधर के तो इस वजह से कोशिश होनी चाहिए कि हम पूरी बात सुनकर जो है हम इन उस पर अमल करें तो पहली बात तो ये थी कि हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है रूहानी ग़ा और जिसमानी ग़ा अब जिसमानी पर इनशाला मैं बाद में आऊँगा हो सकता है दरमिया में ब्रेक भी हमारी आ जाए तो जिसमानी को इनशाला हम बाद में भी डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी सी बात जो है हम रूहानी की और ज़्यादा कर लें तो देखिए मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो ग़ीबत है हराम है चुगली है हराम है ये जो झूठ बोलना है ये हराम है एक तो ये चीज़ है ना कि इससे दूसरों को जो है दुख होता है दूसरों को तकलीफ होती है दूसरों का आप हक मार रहे हैं दूसरों के बारे में आप गलत बयानी कर रहे हैं तो एक तो एक दूसरों को दुख होना लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दूसरों को तो आप दुख दे रहे हैं और आप जो है खुद सुकून से रहें ऐसे नहीं होता अगर किसी की तरफ आप एक उंगली उंगली करेंगे तो चार आपकी तरफ है मतलब क्या है हो सकता है किसी की दूसरी की रिबत करके चुगली करके आप खुश हो रहे हों कि फ़लाँ की मैंने ये कर दी वो कर दी फ़लाँ की माँ बहनों की बातें कर दी हैं मैंने लेकिन मसला क्या होता है कि आपकी जो रूह है वो अंदर से तड़प रही है कि मेरी जो गज़ा आनी थी गज़ा तुमने दी नहीं ऊपर से ये जो है मुश्किल मुसीबत तुम मेरे ऊपर डालते जा रहे हो गुनाह क्या है ये बाहरीपन है हमारे रूह पर यानी जो गज़ा रूह को नहीं चाहिए हम जोर ज़ोर से उसे देते हैं कि ये खा लें यह खा लें अंदर से वो रो रही है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही तो इस वजह से क्या है रू बीमार पड़ जाती है और जब वो बीमार हो जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी कोई दुआ हो जाए और काया पलट जाए लेकिन वो जो दूसरी जो बद पर हम कर रहे हैं वो उधर की उधर ही है तो इस वजह से वो फिर उसे शिफा नहीं मिलती तो नजर मोहतरम ये पहली बात है जो हमने इनशा इस लॉकडाउन में ख़ास तौर पर और जब भी इस किस्म के मौाक़े आएँ हमने अपने आप को किस तरह अपने आप के साथ किस तरह मामला करना है अच्छा मामला हमने इनशाला उसको सीखना है ताकि जो है हम दूसरों की तरफ जब मुस्कुराएं तो अंदर से मुस्कुराएं तो मिलते हैं ब्रेक के बाद इसको जारी रखेंगे इन शामक वरहत ला वर्क असलकम वरक नज़र मुहरम ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ब्रेक से पहले आपके कॉल्स भी आई थी इन शह कॉल्स की तरफ आपके जवाब सवाल जवाब की तरफ आएँगे लेकिन इन शाला जो हमारा मौजू चल रहा है उस बात को पूरा करके साथ अगर आपके और कॉल्स हैं तो बेधड़क होकर करें बेजिजक होकर करें या आपका अपना प्रोग्राम है इनशाला हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल के जवाब पूरी तरह से इन दे सकें तो नज़र मोहरम मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि हम हुसन मामला अच्छा मामला वो है एक अल्लाह रबत के साथ अच्छा मामला उसकी तरफ दूसरा है मखलूक की तरफ मामला और तीसरा है अपनी जान के साथ अच्छा मामला ये बात हमने कर ली थी इसके बाद हमने जो जिस पॉइंट पर एराबोरेट किया था जिस पर जोर दिया था वो ये था कि हम दूसरों के साथ अच्छा मामला करते हैं लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं उम्मीद है यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी और फिर हमने देखा था कि मैं ओवरऑल चीज़ें बता रहा हूँ कि फिर अपने साथ अच्छा मामला करने के दो तरीके हैं एक है अपनी मदद आप रूहानी तरफ से हो यानी रूह की ज़ा हासिल की जाए रूह को जो है ताकतवर किया जाए रूह को जो है पावरफुल किया जाए उसको ग़ा मुहैया की जाए एक तो यह थी कि रूह के मुतल वो भी हमने थोड़ी सी बात कर ली थी उसकी भी बहुत मिसालें तो बहुत हैं अगर हम एक ही चीज़ को अगर शुरू कर दें तो वो कभी ख़त्म होने को ना आए चूँकि फिर आदमी फिर जितना अंदर जाता है तो और ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं और, और ज़्यादा जो है बंदे को सीखने को जो है चीज़ें मिलती हैं अब यहाँ पर मैं रोक कर दूसरी चीज़ जो है हमने जो अपने साथ मामला करना है या जो उसकी सूरत है अपने साथ मामला अच्छा करने की जो दूसरी सूरत है वो है कि अपने जिसम को ऐसी चीज़ दी जाए जिसको उसकी ज़रूरत है अब ये जो पॉइंट है ये बड़ा काबिल और चूंके क्यों था तवज्जो है कि जिस तरह आपसे पूछा जाएगा कि हाँ जी औलाद को क्या दिया था हलाल था या हराम जिस तरह पूछा जाएगा कि तुम्हारी बीवी थी घर में या शोहर था उससे तुमने क्या मामला किया उसको क्या खिलाया क्या पिलाया या किस तरह के कि उसके साथ मामला किए जिस तरह पूछा जाएगा कि हाँ तुम्हारे वालदेन थे ज़िंदा थे या फोत हो गए थे तुमने उनके साथ क्या मामला किया ज़िंदगी में खिदमत की या नहीं की जब दुनिया से वो चले गए तो दुआ उनके लिए की सदक जारिया किया या ना किया ये जो जिस तरह के मामला पूछे जाएंगे एक सवाल और भी होगा कि हाँ ये जो तुम्हें मैंने नमत दी थी तुम्हारा जिसम ये अल्लाह रब की नमत है और मैं ये जो तुम्हारा जिसम है तुमने इसके साथ क्या सलूक किया था अब मैं इसकी मिसाल आपको समझा रहा हूँ कि आप देखिए कि अगर आपके चार पांच बच्चे हों पांच छे बच्चे हों मिसाल के तौर पर मैरज कर रहा हूँ दो हों चार हो पांच हो आपके घर में वो सारे आपके अंडर हों आपके ताबे हैं अब आप अगर वाला हैं या वाल हैं आप अगर उसके रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपने उनको प्रोवाइड करना है उनके लिए हलाल लाना है और आपकी हमेशा वालिद की कोशिश होती है वालदा की कोशिश होती है कि मेरे बच्चे अच्छा पले बड़े अच्छी वो अच्छा पहने अच्छा खाएं, अच्छा पिए ताकि वो जो जब परवरिश पाएं तो बड़े ताकतवर और सेहतमंद हो। होती है ये बात सब की होगी मुझे पता है वालदेन जो हैं हद से ज़्यादा अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं ये मिसाल को आप समझे अब ये बात हमने कर दी अब जिस तरह अगर हम उनको नहीं अगर हम उनकी सही लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो इस कंट्री में खास तौर पर यूके में क्या होगा आपको पहले तो सोशल सर्विसेज पूछेंगे कि फलाम बच्चा इस तरह वो है वो क्यों है उसको बताओ उसके साथ तुम कैसा सलूक कर रहे हो अब यही बात आप अपने अंदर लेके जाए अब आपके अंदर हमारे अंदर भी कुछ नौमौलूद बच्चे हैं कुछ जो है आ, वो क्या कहते हैं मासूम शख्सियतें हैं और अगर उन मासूम शख्सियतों को मैं जो है उसका एक इशारा दे रहा हूँ असल बात नहीं है लेकिन वो इशारा जो है वो जाहिर बात उससे बात समझ में आती है मिसाल है अल्लाह बज्ज़त ने भी मिसालें दी हैं मच्छरों की दी हैं जो है हनी बी की दी है शेद की मखियों की दी हैं तो मिसाल होती है चूंटियों की मिसालें दी हैं आंस की तो ये मिसालें समझाने के लिए होती हैं अब ये जो हमारे अंदर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये आपके ऑर्गन्स हैं कुछ हैं फेफड़े हैं फिर आपका एक दिल है उसके साथ दो गुर्दे हैं फिर उसके साथ जो है आपका एक अंदर दमाव है आपके जो है फिर वो और छोटी छोटी जो है आपका मेटाबॉलिज्म है आपका मैदा है ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे छोटी छोटी औलाद हैं हमारे अंदर जो बसते हैं अगर हम जिस तरह अपनी औलाद को गलत चीज़ खिला दें पिला दें उसके बारे में जिस तरह हमें पूछ कुछ होगी लोग भी कहेंगे आपको अपने वालदेन या रिश्तेदार वो सारे कहेंगे इसी तरह हमारे जो अंदर है अगर हम उनको सही डील नहीं करेंगे तो सबसे पहली जो पूछ होगी वो अल्लाह रब की तरफ से होगी कि हाँ जी बताओ कि मैंने तुम्हें एक ये ज़िंदगी की अजीम न दी इतनी अच्छी रूह दी पाक और साफ रूह दी फिर उस पाक और साफ़ शीशे की तरह शफाफ रू को मैंने तुम्हारे अंदर रखा तुम्हारे जिसम के अंदर और जिसम भी जब तुम पैदा हुए बड़ा शफाफ था साफ था अच्छा था पुर नूर था उसमें गंद नहीं था गीबत नहीं थी क़दूरतें नहीं थी बीमारियाँ नहीं थी बताओ जब तुमने परवरिश पाई तो उसका क्या हाल किया और ये सवाल हम भूल जाते हैं अब इस सवाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में दिया है अब कुरान में ज़ाहिर बात है कुरान जो इशारे देता है तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुलू वशरबु वला तश्रफ़ु और एक जगह फरमाया क्लु मिन तो ये फरमाया कि खाओ पियो न करो और दूसरी जगह इर्शाद फरमाया कि कुलू मिन तो ये बात कि खाओ अच्छी चीज़ों से पाकिज़ा चीज़ों से जो कुछ हमने तुम्हें दिया है अब ये हम बात जो है ये जो करते हैं ये सिर्फ ज़बान की करते हैं कि जबान की कर लिया ये बाहर से पाउंड बचा लिए फ़लां का बैंक अकाउंट भर दिया या फ़लाँ का ये कर दिया हम कुलू मिन तो ये बात इमार जख़् नाकुम अपने अंदर से नहीं बार बार से इसका माना तलाश करते हैं लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अगर हम चले जाएँ तो आका सलाम ने यह आयत करीमा कुरान मजीद में, में क्या इशारा मिलता है कि क्लू मिन तो ये बात कि ये जो तुम्हारे अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं जे जो तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन हैं इन्हें भी पाकिज़ा गज़ा चाहिए अगर तुम्हें इन्हें हराम खिलाओगे इन्हें जो है गलत चीज़ें खिलाओगे तो क्या होगा ये बीमार पड़ जाएंगे अब लोग समझते हैं कि जो हलाल हराम है ये हराम है किसी और वजह से हम बाहर जो है फतवे तलाश करते हैं लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह रबरजत को पता है कि हमारे अंदर ये जो नेमतें हैं ये जो एक फेफड़ों की नेमत ही आप ले लें अगर ये फेफड़े हमारे ये जो ऑर्गन हैं अगर ये फ्रेश ऑक्सीजन आपको लेना बंद कर दें तो हम तो एक मिनट भी जिंदा ना रहे अब यही फेफड़े हैं हम उनका क्या हाल करते हैं कोई सिगरेट पी रहा है कोई जो है शराब नोशी कर रहा है कोई जो है वो नाउज़ बिल्ला ड्रग डीलिंग कर रहा है अल्लाह तब को हम सब को हमारे बच्चों को वाले सब को बचाए मैं मिसाल दे मैं किसी के लिए तंज नहीं कर रहा मैं सिर्फ मिसाल दे के अर्ज़ कर रहा हूँ मकसद होता है बात समझाने का किसी पर तंज नहीं हर बंदा अपना ज़ाहिर बात है अपना रिस्पॉन्सिबल है हर बंदे को पता है लेकिन देखिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो छोटे छोटे ओर्गन हैं इनकी ज़बान नहीं है लेकिन ये बोलते हैं ये कलाम करते हैं और इसी वजह से तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप जब उन टेस्ट करवाएं तो वो कहते हैं फ़लाँ चीज़ उसमें नक्स आ गया है फ़लाँ ऑर्गन जो है आपका सही काम नहीं कर रहा फ़लाँ चीज़ ये ये अपने जो फंक्शन है वो सही अदा नहीं कर रही वो किस वजह से नहीं कर रही कि हमने उनके साथ ज़्यादी किए अगर हम क्लु मिन तो ये बात अगर एक छोटी सी आयत पर अमल कर लेते कि अल्लाह किज़त ने फरमाया पाक चीज़ें खाओ अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ क्योंकि ये जो तुम्हारा जिसम है इसके अंदर कुछ मखलूक है बहत्तर करोड़ से भी ज़्यादा छोटे छोटे सेल्स हैं और उन हर सेल के अंदर अपनी एक एक दुनिया है वो हर सेल के अंदर अपनी एक कायनात है हर सेल के अंदर अपनी एक जिंदगी है एक पूरा सिस्टम है बहत्तर करोड़ फिर उस बहत्तर करोड़ को अगर डिवाइड uh, करें तो फिर ये सारे ऑर्गन्स बनते हैं उन सारे उनका हिस्सा मिलता है तो ये जो सारी चीजें हैं इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है इनके साथ कौन अच्छा मामला करेगा ये सवाल है तो अगर इन हमारी नीयत ये हो कि यार अब तुम्हें मुझे नेमत दी है जिंदगी दी है रूह मुझे तुमने हमारे अंदर डाली है साथ में हमें इतना अच्छा जिसम दिया है तो अब मैं क्या करूंगी या मैं क्या करूंगा कि अगर किसी वजह से ये लॉकडाउन है हमें ये मौका मिल गया है तो अभी हमने सबसे पहले जो तब्दीली लानी है जिस पर गौर करना है जिसको टाइम देना है जिसके साथ अच्छा मामला अच्छा अखलाक करना है अच्छे करने हैं तो हमारी अपनी ज़ात है हमारा अपना जिसम है हमारी अपनी रूह है इनशा अगर हम इस पर शुरू कर देंगे तो आप देखिएगा कि आप दूसरों की बातें चाहे वो आप गु़स्से की बातें कोई करें आप मुस्कुराते रहेंगे आप मुस्कुराती रहेंगी वो क्यों कि आपके अंदर की मन की जो दुनिया है वो खुशहाल होगी जब दुनिया खुशहाल होती है तो बाहर से अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें आ भी जाएँ तो वो मामला जो है वो चल जाते हैं तो नज़र मोहतरम ये जो चीज़ है इन हमने इस पर गौर करना है फिर ये जो ख़ुराक है ख़ुराक का एक अपना इल्म है इसकी भी अपनी दुनिया है ये नहीं कि हम जो चीज़ चाहे हाथ में पकड़ी और गड़ाप अंदर ऐसे नहीं हमारे पास पूरी सुन्नत है आकर सलातम के हदीस शरीफ हैं फिर उस पर भी मु करना पड़ता है ये नहीं कि आप हदीस शरीफ खोलें और उसमें जो भी ज़िक्र हुआ हुआ है और बस वो पकड़ के खाना शुरू कर दें अगर जिसम को ज़रूरत नहीं है तो वो भी ज्याती है इसकी एक मिसाल में आखिरी देकर हम ख़त्म करते हैं फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ हज़रत अली रदी अल्लाह तजूर खा रहे हैं आपकी आंखें दर्द कर रही आंखें खराब हैं दर्द कर रही हैं यानी उनमें तकलीफ थी हजरत अली रदी अल्लाह तक सलाम फरमाया खजूर क्या है सुन्नत है हर बंदा खाता है आकामन ने फरमाया अली खजूर ना खाओ फिर बाद में कुछ और चीज़ आई मक्खन आया या कुछ ठंडी चीज आई तो आकामन ने फरमाया अली ये खाओ अब लोग तो हदीस पढ़ के गुजर जाते हैं लेकिन अगर इस पर थोड़ा सा गौर करें तो हजरत अली रजी अल्लाह तंखें जो है वो गर्मी से दर्द कर रही थी तकलीफ कर रही थी खजूर है भी गर्म तो आपने फरमाया अभी ये ना खाओ यानी ये जो अभी ये ना खाओ का मतलब था कि अभी जो तुम्हारे ऑर्गन हैं, ये जो तुम्हारा जिसमे अतर है ए रजील् तनो अभी इसको इसकी जरूरत नहीं है अभी छोड़ दो बाद में फिर खाते फिर इसी तरह हमने क्या करना है कि कोई पिज़्ज़ा लाया है तो फ़लाने पिज़्ज़ा दिया है बड़ी खुशी से दिया है वो भी अंदर कोई बाहर से कप का चाय का पिला रहा है वो भी अंदर किसी के घर का है किसी ने डाइट कोक दिया है वो भी अंदर किसी ने कहा कि फ़लान चीज़ मीठी बनी है वो भी अंदर तो अंदर ही अंदर सारी बाहर तो निकालता कोई नहीं तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो चीज़ें हैं देखिए सुन्नत में आका सलाम ने अच्छी चीज़ को मना फरमा दिया कि अभी ये ना खाओ मतलब क्या था कि तुम्हारे जिसम को ये ज़रूरत नहीं है यही चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाए कुलू, वशरबू, खाओ पियो वला तो मगर ज्यादी ना करना इसराफ़ न करना और इसराफ का मतलब है कि जो चीज़ तुम्हारे जिस्म को मन को ज़रूरत नहीं है वो तुम उसे तो। मत दो अब ये मौजू है इस पर अल्लाह का शुक्र है यानी उसने तौफीक तो दी है फिर सालों साल पढ़ने की अल्लाह ताला ने सादत दी है तो ये बड़ा एलाबोरेट करने वाला मौजू है इनशाला इसको हम फिर आगे ले चलेंगे तो बात अर्ज़ करने का मकसद ये है नजर मोहतरम कि लॉकडाउन है इन हमने पॉजिटिव सोच आगे लेके चलनी है और साथ जो है अपने आप पर टाइम स्पेंड करना है जो जो खराबियाँ हैं रूह की खराबियाँ हैं जिसम की खराबियाँ हैं इन हमने अच्छी गजा से अच्छे मामल से इन अपने आप को सेट करना है फिर अपने औलाद को अपने वालदेन को अपनी बीवी बच्चों फैमिली को और फिर इन शड़ोसी को और फिर ये रोशनी जो है हमने पूरे एरिए में फैलानी है इन शी तो अल्लाह रबत से दुआ है कि अल्लाह ताला मैंने जो बयान करने की कोशिश की है अल्लाह ताला मुझे सबसे पहले इस पर अमल करने की तोफ़ीकता फ़रमाए कुछ जो गुनाह हुए हैं अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हम सब को एक दूसरे के लिए अच्छी असलाह करने का ज़रिया बनाए और एक दूसरे से अल्लाह ताला में अच्छी अच्छी नीयतें अच्छी अच्छी बातें सीखने और फिर उस पर अमल करने की तो फीकदाफरमाए नजर मुहरम आई चलते हैं सीधा जो है आपके सवाल की तरफ तो सवाल जो है वो इन कुछ हैं सबसे पहली तो जो एक बैन ने पूछा था कि करोना घर में है जमात करा सकते हैं उसका तरीका क्या है तो आपने जो पूछा है देखिए और भी नाजर मोहतरम सुन रहे होंगे कि जमात जो है ये बिल्कुल जायज़ है आप घर में कराएँ बल्कि यही मौका है मसाजिद वगैरह तो बंद होंगी तो ये नहीं कि आप नमाज ही आदमी बाद छोड़ दें तो ये जायज़ है बिल्कुल आपने लेकिन तरतीब याद रखनी है कि सबसे पहले औरत जो है यानी सबसे पहले जो मर्द जमात करा रहे हैं मर्द असरात वो आगे होंगे सेकेंड नंबर पर बच्चे होंगे फिर जो है जो है औरतों हैं बच्चियाँ हैं जो है माएँ बहने हैं उनका जो है नंबर आता है तो अगर ये इन शरतीब आप याद रखेंगे तो अगर मसला बच्चे नहीं हैं सिर्फ जो है शोर बीवी करवा रही हैं तो फिर वो ज़ाहिर बात तरतीब तो कायम हो जाएगी तो अगर बीवी भी है बच्चे भी हैं तो वहाँ पर जो तरतीब होगी वो ये होगी कि पहले शोर होगा यानी मर्द हजरात जो जमात करवाएँगे शोर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वाल सा भी हो सकते हैं भाई भी हो सकते हैं तो पहले वो आएंगे उसके बाद जो है इंशाल्लाह बच्चे होंगे अगर हैं घर में उसके बाद जो है औरतें आकर तो ये जमात लाजमी करवाएं इससे जो है बच्चों में भी आप में भी शौक़ बढ़ेगा और जमात की जो बरकत है वो भी इन हासिल हो जाएगी और इससे इन घर में बड़ा खैर व बरकत और सुकून भी आएगा अगला सवाल था कि जो है अशरा की नमाज जो है और चाश की नमाज़ क्या है देखिए चूँकि ये टाइम बदलते रहते हैं अगर मैं आपसे अभी कह दूँ कि इस टाइम पर पढ़ लें तो जो है फिर हो सकता है दिन रोज़ रोज़ बदलते हैं तो सबसे आसान तरीक़ा ये है कि आप एक कैलेंडर लें कैलेंडर के बाद जो है इन जो है उसे देखें उसको फॉलो करें चाहे वो कैलेंडर पूरी कंट्री का हो या आपकी लोकल मस्जिद का हो जहाँ पर आप नमाज पढ़ते हैं नमाज पढ़ती हैं तो इन वो ले लें उस पर लाजमी बातें उन्होंने दिया होगा टाइम आपको गेस करने की ज़रूरत नहीं है उन्होंने दिया होता है इस्लामी कैलेंडर जो है वहाँ पर लिखा होगा कि ये सनराइज़ है ये सनसेट है सनराइज़ है उसके बाद ये जो है इशराक टाइम है ये चाश टाइम है इशराक पहले आती है चाश बाद में आती है तो फिर जो है इस तरह जो है दिन गुज़रता है तो इन शह आप कर लें जो तीसरा सवाल था वो बेन ने बताया था कि वो रोती हैं बहुत और अकेलापन महसूस करती हैं इसलिए मैंने इस सवाल को आखिर में रखा है ताकि जो है क्योंकि लॉकडाउन है हो सकता है अल्लाह ताला सब को महफूज रखे अगर जो है हमारी माँ बहने बुज़ुर्ग जो हैं अगर इस चीज़ से इनशा गुजरने कि अगर उन्हें जो है यानि ये नौबत आ जाए तो सबसे पहले तो या बात या हमने अल्लाह रब इज़त की तरफ रुजू करना है कि अल्लाह ताला जो है हमें इस्तकामत दे चूंकि हर चीज़ हर इस्तकामत हर मदद इ्या कना अबिया कनस्तिन उधर से ही आएगी तो इन श्ला से पहले तो अल्लाह रु लज़त की तरफ रुजू करना है और बाद में जो मैंने आपसे अर्ज़ की है कि आपने जो है अपनी खुराक सेट करनी है। अब खुराक सेट करने का तरीक़ा क्या है कि अपने जो है हेल्थ एडवाइज़र हैं डॉक्टर्स हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं इन शाब्ता आप करें आपने कह रही है कि आप डिप्रेशन के जो है मरीज़ हैं गोलियाँ है खाती हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट जो लिखे हैं साथ फिर आपसे डॉक्टर से ये भी पूछ लें कि ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनको डील करने का क्या तरीका है तो एक तो अच्छी बात तो ये है कि आपको पता है कि क्यों हो रहा है एक ये बात करें और साथ जो है मैं एक चीज़ बता देता हूँ इन शाला जो आजाद सुन रहे हैं आप देखेंगे कि इन शाला आप ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा कि कभी भी अगर आपको रोना है दिल जो है डूब रहा हो दिल मुश्किल में हो परेशानी हो यानी मतलब क्या है कि ऐसा महसूस हो कि मेरे दिल में दम नहीं है यानी डर लग रहा है तो आपने सिर्फ एक का काम करना है कि आपने कहवा जो काली चाय का कहवा होता है आपने वो बनाना है उसमें दस कतरे जो है लीमू का रस जो होता है लेमन जो है वोटर इनशाला उसके जो है दस कतरे चाय मिलते हैं बाज़ार में वो वो इनशाला डाल के तो आपने ये कहवा लाजमी पीना है ठीक है इनशाला जो है लाजमी करें और इसके साथ जो है अल्लाह रबत के बायदा नाम है कि या कवियो यावियमतिन तो ये इनशा या कवियो जो है ये क़वत से है यानी ताकत से है तो इनशा साथ ये पढ़ें अवल आखिर दरूद पाक पढ़ें अल्ला महमद वाल महमद वबारक वसलम दरूद इब्राहिमी पढ़ें जो भी दरूद शरीफ आपको आता हो पहले ये फिर या कवियो की एक तस्वीर सो मरतबा पढ़ लें और फिर आखिर में दरूद पाक पढ़ के तो इन आप ये करें तो अभी यहाँ पर जो है आपका रूहानी इलाज भी हो गया डॉक्टर का मशवरा जो है वो लाजमी है और उसके साथ जो है जिसमानी इलाज जैसा कि मैंने कहा तो ये भी इनशाला आप साथ पिए अगर बच्चे डर रहे हों स्कूल ना जा रहे हों तो आप ये कहवा पिलाएँ वो भी जो है उनका दिल भी संभल जाएगा इसका मतलब क्या होता है कि ये दिल के जो पट्ठे होते हैं ये उनको क़त देता है उनको जो ताकत देगा तो इनशाला तेरी पूरी उम्मीद है अल्लाह रबत से चूंकि ये भी उसी की बनाई हुई चीज़ें हैं हमने ख़ुद तो बनाई नहीं तो इसीलिए शिफा उधर से आनी है हमने सिर्फ दवा करनी है साथ दुआ भी करनी है और आखिर में हम चूँकि प्रोग्राम के अख्ताम है दुआ करते हैं कि अल्लाह रबत इस रबी अवल के महीने से इसके तशद्द से आकर सराम की जो इसमें विलादत बात हुई है उसके सदक़े से अल्लाह रब हमें हमारे गुनाहों को माफ फरमाएं जो भी माएँ बहने बच्चे बुज़ुर्ग जो है बीमार हैं अल्लाह ते शफा अ फ़रमाए जो भी मुश्किल में अल्लाह ताला मुसीबतें दूर फ़रमाए और ख़ास तौर पर अल्लाह रबत से आजिज़ाना फ़कीराना दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो लॉकडाउन आ रहा है एक महीने का अल्लाह ताला इसमें हमें सब्र इस्तकाम नसीब फरमाए अपने आप का ख़्याल करने की तोफ़ीक़ा फ़रमाए फिर अपनी फ़ैमिली का ख़्याल करने की तो फ़ीकत आफ़रमाए और अपने आप का ख्याल करते हुए फैमिली का ख़्याल करते हुए अल्लाह ताला हमें पॉजिटिविटी और अपने जो पड़ोसी हैं नेबर्स हैं और जो इलाका है अल्लाह हम सब को जो है उनकी भी मदद करने की जहाँ तक इस्तात हो तो फ़ीक़ीक़ आफरमाय और ख़ास तौर पर जो है हमें दूसरों की तरफ अच्छाई फैलाने वाला अल्लाह रज़त बना दे और दूसरों की तरफ बुराई अगर हमारी तरफ से किसी को आनी भी हो तो अल्लाह ताला हमसे वो दूर फरमा दे तो साथ में दुआ भी है कि आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकत